ऊपर काली स्याही फेंकी गई है। वाराणसी में केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई है। लहुरा बीर इलाके में रोड शो के दौरान उनके ऊपर स्याही फेंकी गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया है। कुछ प्रदर्शनकारी अरविंद केजरीवाल के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल के ऊपर उनकी होने वाली रैली के ठीक पहले स्याही फेंकी गई है। केजरीवाल इस पर प्रतिक्रिया क्या देते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था राजधानी दिल्ली में एक बार योगेंद्र यादव के ऊपर उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता ने नीली स्याही फेंक दी थी। और अब वाराणसी में जहां पर रैली करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई है। ये शख्स कौन है, क्या वो बीजेपी का है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, रोड शो की ये तस्वीरें हैं। अरविंद केजरीवाल जब काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद निकल रहे थे, उस दौरान आप देख पा रहे हैं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह उनके साथ हैं। प्रोफेसर अनंत कुमार भी, जो दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो भी साथ में हैं। लेकिन इसी दौरान अरविंद केजरीवाल के ऊपर स्याही फेंकी गई है। लहुराबीर इलाके में रोड शो के दौरान उनके ऊपर स्याही फेंकी गई। सीधे रुख करेंगे शीतल राजपूत, हमारी सहयोगी इस वक्त वाराणसी से जुड़ चुकी हैं। शीतल, अरविंद केजरीवाल के ऊपर स्याही फेंकी गई है, कौन है ये शख्स और किस तरह की जानकारी मिल पाई है आपको? और यहाँ पर तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं काफी ज्यादा बड़ा ये रोड शो जो इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है, और पूरी की पूरी काफी ज्यादा चुस्त सुरक्षा व्यवस्था भी हमें दिखाई दे रही है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल के ऊपर स्याही फेंकी गई है, इस तरह की खबर है। लहुरा भी वो इलाका है जहां पर रोड शो के दौरान आगे बढ़ रहे थे अरविंद केजरीवाल, उसी वक्त उनके चेहरे पर स्याही फेंकने की कोशिश की गई। शख्स कौन है, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन शीतल, एक बात तो साफ है, अब जिस तरह की तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं, लोग एक तरफ समर्थन जरूर दे रहे हैं केजरीवाल का, लेकिन ज्यादातर विरोध का सामना वाराणसी के लोगों से ही करना पड़ा है केजरीवाल को। इस चुनौती से निपटेंगे कैसे वो? बिल्कुल, हम पहले से ही देख रहे हैं, चाहे वो जब वो रेलवे स्टेशन से निकले, उसके बाद चाहे गंगा घाट की बात हो, या काशी विश्वनाथ मंदिर के पास की बात हो, या फिर उसके बाद अब ताजा की चाय फेंकने की घटना, तो लगातार इस रोड शो के दौरान बनारस शहर के अंदर जो भ्रमण कर रहे हैं, इसके दौरान उन्हें लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपसे हमें बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में वो यहाँ रैली ग्राउंड पे आएंगे, रैली ग्राउंड पर तमाम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रैली ग्राउंड तक का सफर उनका कांटों भरा रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन उन्होंने कहा है, और अब स्याही भी उनके चेहरे पर फेंक दी गई है। स्याही फेंकने वाला शख्स कौन है ये भी कुछ ही देर बाद पता चलेगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जब योगेंद्र यादव के ऊपर स्याही फेंका गया था, उस वक्त हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी का ही वो कार्यकर्ता था। और ये तस्वीरें काल भैरव मंदिर के बाहर की, जब अरविंद केजरीवाल को विरोध का सामना करना पड़ा, उसके बाद वो विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, वहां पर उनकी गाड़ी के ऊपर अंडे फेंके गए, और अब स्याही फेंकने की बात सामने आई है। लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इन सब के बीच कुछ ही देर बाद बेनियाबाग मैदान में पहुंचने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। फिलहाल कितनी ज्यादा भीड़ और कितना समर्थन मिलता हुआ केजरीवाल को दिखाई दे रहा है शीतल? आप अपना सवाल दोहराएंगी? इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं, आसपास की तस्वीरें किस तरह की कहानी बयां कर रही हैं? समर्थन लोगों का कितना मिलता हुआ दिखाई दे रहा है केजरीवाल को? मुझे आपका सवाल समझ में नहीं है, आप अगर दोहरा सकते हैं तो मैं। शीतल, मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, अरविंद केजरीवाल को वाराणसी के लोगों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? शीतल के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले ये तीन तस्वीरें आप देखिए, रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर स्याही फेंकी गई है, इस तरह की खबर सामने आ रही है। जैसे ही वो तस्वीरें सामने आएंगी, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बाहर की तस्वीरें, जब उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके गए, और दूसरी तरफ काल भैरव मंदिर की तस्वीरें जहां पर गंगा घाट से नहाने के बाद सीधे पहुंचे हुए थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। नरेंद्र मोदी के समर्थक है जो मोदी के पक्ष में और केजरीवाल के विरोध में लगातार नारेबाजी कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल के लिए वाराणसी की चुनौती इतनी आसान नहीं रहने वाली है। हालांकि मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास ताल ठोक रहे हैं, तो मैं खुद आ गया हूं वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए।
हालांकि इसके पहले लगातार वो ये बात कहते हुए चले आए हैं कि अरविंद केजरीवाल दरअसल मोदी को हराने नहीं बल्कि देश को बचाना है, और यही बातें आज वाराणसी में दोहराते हुए भी केजरीवाल दिखाई दिए। लेकिन क्या वाराणसी की जनता अपना पूरा समर्थन देगी केजरीवाल को, क्योंकि जो भीड़ अरविंद केजरीवाल के साथ आपको दिखाई दे रही है इसमें वाराणसी के लोग कम, जबकि अलग अलग हिस्सों से जो लोग गए हैं खासकर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से, बिहार और दिल्ली से, हरियाणा से, उन लोगों की तादाद ज्यादा है। बेनियाबाग मैदान में अब से कुछ देर के बाद, जिसकी क्षमता तकरीबन 20,000 लोगों की है, प्रशासन की ओर से इतनी अनुमति भी मिली है उन्हें वहां पर रैली करने की। वहां पर अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहते हैं क्या इसी पर सभी की निगाह टिके रहने वाली है। वाराणसी ये वो सीट है जिस पर बीजेपी के प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि बीजेपी के पीएम पद के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी खुद मैदान में हैं और 1991 से लेकर अगर 2004 को हम छोड़ दें तो लगातार बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा है, और नरेंद्र मोदी को हराने के मकसद से अरविंद केजरीवाल न सिर्फ रोड शो बल्कि एक बड़ी रैली भी करने वाले हैं। शीतल हमारे साथ जुड़ चुकी है। शीतल, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच पा रही हो, सीधा सा सवाल ये है, समर्थन वाराणसी के लोगों का कितना मिल रहा है केजरीवाल को? क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर है, मैं आपका सवाल ठीक से नहीं सुन पा रही हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे समझ में आ रहा है, जो आपने मुझसे पूछा है कि जब से वो आए सुबह से उन्हें विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है, यकीनन सुबह से ही अरविंद केजरीवाल विरोध प्रदर्शन को झेल रहे हैं, और काली स्याही फेंके जाने के बाद उसके बाद अभी ताजा खबर हमारे पास ये आई है कि पिपलानी कटरा इलाके में जहाँ पे इतिहास का काबिला गुजर रहा है वहाँ पर उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए हैं। तो कदम कदम पर काले झंडे, कदम कदम पर अंडे फेंके जा रहे हैं, स्याही फेंकी जा रही है, ठीक है, झड़पें हो रही हैं। तो यकीनन सुबह से ही अरविंद केजरीवाल रैली स्थल पर पहुंचने से पहले तरह तरह का विरोध खेलते आ रहे हैं, और ये सवाल जरूर उनके जहन में कौन रहा होगा कि जो चुनाव लड़ने का ऐलान वो कर चुके हैं काशी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसमें उनकी राह जो है वो कितनी मुश्किल होने वाली है, ये इस आज की पूरी तस्वीर से उन्हें स्पष्ट जरूर हो गया होगा। विरोध करने वालों में ज्यादातर बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं या फिर दूसरे दलों के भी कार्यकर्ता हैं जो विरोध कर रहे हैं केजरीवाल का? अलग अलग मिली जुली तस्वीर देखने को मिली है, कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हुई है, कई दूसरे दलों के लोग हैं, तो केवल बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में जुटे हैं ऐसा कहना गलत होगा, तमाम दलों के कार्यकर्ता मौजूद है जगह जगह पर, कुछ आम लोग भी हैं जो केजरीवाल समर्थक नहीं है वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जहाँ जहाँ पर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, तो ये मिली जुली सी रिएक्शन है जो सभी तरफ से दिखाई दे रही है। बिल्कुल, लगातार विरोध का सामना अरविंद केजरीवाल को करना पड़ा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं रोड शो की, अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं, इसी दौरान उनके ऊपर काली स्याही फेंकी गई है, उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया दी है अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही उनका बयान सामने आता है आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है, जब से केजरीवाल वाराणसी पहुंचे हैं तब से लेकर अब तक, और यहां पर जो भीड़ आप देख पा रहे हैं दरअसल वाराणसी की जनता से कहीं ज्यादा इसमें संख्या उन लोगों की है जो देश के अलग अलग हिस्सों से वाराणसी में इस रैली में, इस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि इनकी संख्या देखकर केजरीवाल के हौसले बुलंद हैं और उनका ये दावा भी है कि वो जीत हासिल करेंगे, लेकिन वाराणसी की जनता क्या उनके दावे को पूरा होने देती है इसका फैसला मई में हो जाएगा। लेकिन शीतल, सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर वाराणसी की हम बात करें तो 2004 को अगर हम छोड़ दें तो 1991 से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है, बीजेपी का गढ़ रहा है एक तरह से, ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। ऐलान तो उन्होंने कर दिया है लेकिन सामना वास्तव में उस तरह से वो कर पाएंगे क्या मोदी का? शीतल के पास हम चलेंगे, उनका फोन कट गया है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, प्रोफेसर आनंद कुमार जिनका वाराणसी में घर है, और जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकले अरविंद केजरीवाल सबसे पहले प्रोफेसर आनंद के घर ही गए थे, दिल्ली से वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। फिलहाल ये रोड शो की तस्वीरें हैं, जनता से मुखातिब होते हुए अपने पक्ष में वोट मांगते हुए, क्योंकि इसके पहले मीडिया के जरिए उन्होंने साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल यानी कि वो खुद मैदान में हैं। हालांकि इस बात का जिक्र उनकी ओर से बार बार किया गया था कि जनमत संग्रह यानी कि लोगों से बातचीत के बाद ही वो कोई फैसला लेंगे, लेकिन वाराणसी पहुंचते ही विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद ही मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मोदी को हराना ही हमारा लक्ष्य है और इसी वजह से मैं वाराणसी पहुंचा हूं। ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के रोड शो की हैं, लेकिन जगह जगह विरोध का सामना भी अरविंद केजरीवाल को करना पड़ रहा है। केजरीवाल के चेहरे और कपड़ों पर काली स्याही फेंकी गई है, कुछ जगहों पर काले झंडे भी उनको दिखाए गए हैं,
और ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी पर अंडा फेंक दिया गया जब वो पहुंचे थे विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। विरोध में नारेबाजी की गई जब वो काल भैरव मंदिर पहुंचे थे। और वहीं तीसरी तस्वीर रोड शो के दौरान उनके ऊपर स्याही फेंकी गई। स्याही फेंकने के बाद क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल वाराणसी की जंग काफी ज्यादा दिलचस्प मोड़ में इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, बीएसपी ने पहले ही कर दिया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी ऐसी है जिसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहां से उम्मीदवार कौन होगा, दिग्विजय सिंह, अजय राय या फिर राजेश मिश्रा, इन तीनों में से किसी एक को कांग्रेस पार्टी वाराणसी से टिकट दे सकती है। लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल का खुद के नाम का ऐलान किया जाना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके पहले दिल्ली में हमने देखा था केजरीवाल ने जब शीला दीक्षित को तकरीबन 25,000 वोटों से हराया था नई दिल्ली सीट से, तो उस दौरान नारे लगे थे, उसी समय से नारे लगने शुरू हो गए थे कि अभी तो शीला हारी है, अब मोदी की बारी है। लेकिन मोदी को वाराणसी में क्या उस तरह की टक्कर भी दे पाएंगे अरविंद केजरीवाल? फिलहाल आज होने वाली उनकी रैली से इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। जब वो मंच पर पहुंचेंगे तो मंच से नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस तरह से वो ताल ठोकते हैं, कहते क्या हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इसी पर सभी की निगाहें टिकी रहने वाली हैं। लेकिन जगह जगह विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। अरविंद केजरीवाल का विरोध किया जा रहा है, कहीं काले झंडे दिखाए गए हैं, रोड शो के दौरान उनके ऊपर स्याही फेंक दी गई। इसके पहले भैरव बाबा मंदिर के ठीक बाहर हंगामा करते रहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो मोदी के समर्थन में लगातार नारे कर रहे थे और केजरीवाल के विरोध में। जबकि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जब अरविंद केजरीवाल गए, उस दौरान उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके गए। हालांकि जैसे ही हंगामा करते रहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो मोदी के समर्थन में लगातार नारे कर रहे थे और केजरीवाल के विरोध में। जबकि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जब अरविंद केजरीवाल गए, उस दौरान उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके गए। हालांकि जैसे ही विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद वो बाहर निकले, उन्होंने इस बात का ऐलान मीडिया के जरिए कर दिया कि वो वाराणसी से मोदी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। और अब हम आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। रैली में लोगों को इंतजार है अरविंद केजरीवाल का, और रोड शो की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये रैली बेनियाबाग मैदान में होनी है। प्रशासन की ओर से सिर्फ 20,000 लोगों के ही इस रैली में शामिल होने की इजाजत दी गई है। दूर दूर से वहां पर अब जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था जब दक्षिण भारत में अपनी रैली को संबोधित कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, उस दौरान ही उन्होंने वाराणसी में रैली करने और 23 तारीख को पहुंचने की बात कह दी थी। लेकिन चूंकि स्थानीय स्तर पर चुनाव होने थे वाराणसी में, इस वजह से प्रशासन की ओर से 23 तारीख को लेकर उन्हें अनुमति नहीं दी गई। फिर 25 तारीख मुकर्रर किया गया और आज 25 तारीख के दिन रोड शो और ये रैली की तस्वीरें। रैली में अभी लोगों को इंतजार है केजरीवाल का, माना जा रहा है तकरीबन एक घंटे के बाद केजरीवाल रैली में पहुंचेंगे। इस रैली के जरिए नरेंद्र मोदी को किस तरह से निशाने पर लेते हैं, यही देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि माना यही जा रहा है कि अंबानी और अडानी को लेकर जिस तरह से बार बार मोदी से सवाल करते रहे हैं, तकरीबन इसी तरह की बातें एक बार फिर से वो दोहराएंगे मंच पर खड़े होकर। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए वाराणसी की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली है। अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो तकरीबन 16 लाख वोटर हैं वाराणसी में, जिसमें मुस्लिमों की संख्या तकरीबन 3 लाख के आसपास है, 2.5 लाख ब्राह्मण हैं, 2 लाख वैश्य हैं, पटेल 2 लाख हैं, यादव 1 लाख, भूमिहार 1 लाख, दलित 80,000 जबकि ठाकुर 65,000 हैं। और इस बात को ध्यान में रखना होगा कि मुरली मनोहर जोशी 2009 में सिर्फ 17,000 वोटों से ही जीत हासिल की थी उन्होंने। मुख्तार अंसारी को उन्होंने 17,000 वोटों से हराया था, और इसी वजह से माना यह जा रहा था कि अगर मुरली मनोहर जोशी की सीट नहीं बदली जाती है तो शायद वो हार भी सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ, उसके बाद वहां पर कार्यकर्ताओं का जोश दुगना हो गया। फिर लोग भी काफी ज्यादा मोदी के नाम को समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस समर्थन को दिलचस्प बना दिया है अरविंद केजरीवाल ने वहां पर पहुंचकर। अरविंद केजरीवाल के रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे उनका यह कारवां आगे की ओर बढ़ता हुआ जो पहुंचेगा बेनियाबाग मैदान, जहां पर प्रशासन ने तकरीबन 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की इजाजत दी है। सिर्फ 20,000 लोगों को ही इस रैली में शामिल होने की इजाजत दी है। वहां पर अरविंद केजरीवाल को पहुंचना है और उसके बाद माना यही जा रहा है कि सीधे सीधे वाराणसी से नरेंद्र मोदी ही निशाने पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल के। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को इस बात की उम्मीद है कि जिस तरह का प्रदर्शन विधानसभा चुनावों के दौरान दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया था, उसी तरह का प्रदर्शन वो लोकसभा चुनावों के दौरान भी करेगी।
ये तस्वीरें, काफी ज्यादा भीड़ उनके रोड शो में दिखाई दे रही है। हालांकि क्या ये भीड़ वाराणसी की जनता की ही है, क्या ये बनारस के लोग हैं या फिर बाहर से लोगों का जो हुजूम सुबह सुबह से ही पहुंच रहा था लगातार, वो है कुछ देर के बाद जैसे हमारी सहयोगी जुड़ेंगे शीतल, उनसे इसका जवाब हम देंगे। लेकिन बेनियाबाग से लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए ये कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। हालांकि तकरीबन 2 बजे ही ये रैली होनी थी लेकिन काफी ज्यादा विलंब हो चुका है, 3:17 हो चुके हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि कम से कम आधे से पौन घंटे और लग सकते हैं। और यहां पर केजरीवाल रोड शो के जरिए वाराणसी की जनता से वोट की अपील करते हुए हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर सबका अभिवादन भी स्वीकार करते हुए केजरीवाल आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 2009 पे अगर हम जाएं, 17,000 वोटों से जीत हासिल की थी बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी ने। मुख्तार अंसारी बीएसपी के टिकट पर लड़े थे लेकिन 17,000 वोटों से वो हार गए थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के अजय राय रहे थे। लेकिन इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी कानपुर पहुंच चुके हैं, नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और अमित शाह नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ लगातार लगे हुए हैं और अपना पूरा दमखम लगाए हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतों से नरेंद्र मोदी यहां से जीत हासिल करें। हालांकि मोदी वाराणसी के अलावा वडोदरा से भी चुनावी मैदान में हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं केजरीवाल के रोड शो की। एक गाड़ी पर कई लोग सवार और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए बेनियाबाग मैदान इन लोगों को पहुंचना है, जिसके बाद उनकी रैली की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। फिर सभी की निगाहें इस बात पर कि केजरीवाल आज रैली के जरिए बोलेंगे क्या। जातिगत समीकरण भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है वाराणसी का हर चुनावों में। अल्पसंख्यक वोट वहां पर 15% है। अगर युवाओं के वोट की बात करें, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी या फिर केजरीवाल या राहुल गांधी सभी लगातार अपनी बातें रखते रहे हैं, 15% तकरीबन युवा हैं जो वोट करेंगे। इस बार सर्विस क्लास 10% है वाराणसी में। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब स्याही फेंकी गई, मनीष सिसोदिया खड़े थे उनके ऊपर, उनके शर्ट पर भी स्याही आपको दिखाई दे रही है। उनके पीछे आपको पूर्व कानून मंत्री दिल्ली के सोमनाथ भारती दिखाई दे रहे हैं, उनकी शर्ट पर भी अरविंद केजरीवाल की टोपी पर उनके चेहरे पर स्याही पड़ गई है, काले रंग की स्याही। उनके ठीक बाई तरफ संजय सिंह मौजूद हैं, उन्हें भी उनके चेहरे पर भी स्याही पड़ गई है। अब स्याही फेंकने वाला शख्स कौन है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि रोड शो के दौरान ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये काली स्याही फेंकी गई है। ये स्टिल फोटोग्राफ जो इस वक्त हमें हासिल हुई है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर स्याही फेंकी गई और जितने भी लोग गाड़ी पर सवार थे उन सभी के कपड़ों पर ये स्याही पड़ गई है। हालांकि वो शख्स कौन है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। अरविंद केजरीवाल का रोड शो लगातार जारी है, बेनियाबाग मैदान में उन्हें पहुंचना है लेकिन काफी ज्यादा वक्त लग रहा है, क्योंकि रोड शो जब शुरू होना था उस वक्त ही माना जा रहा था कि तकरीबन 2 से 2.5 घंटे इस रोड शो में लग सकते हैं, लेकिन यहां पर लोगों को रिझाने का कोई मौका केजरीवाल छोड़ना नहीं चाहते हैं।